कैसे हैं आप सब? ठीक है, फाइन सर। आज टेस्ट भी है और लैंग्वेज के वजह से मैं ब्रीफिंग देनी है क्लास के हवाले से। पहले टेस्ट को कामयाब करें। जो स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स हैं इनका टेस्ट है आज। आपका कैसी तैयारी है? अच्छी है सर। टेस्ट जबानी होगा? यस सर। तो टाइम को जाया करने की जरूरत नहीं, पर साथ शुरू करते हैं। कायनात का टेस्ट है, हमजा का और बिलाल खान, तीनों का टेस्ट है आज। जी कायनात, पहले आपसे शुरू करता हूं मैं। सर। You have to tell me in English or Urdu, what would you like, what language you have to adopt now, spoken? English, sir. First of all, I ask you first question, how you can define two prepositions? Proposition. If we complete sentence by proposition like is, on, off, from, about, Okay, etc. I ask you next question. You have to tell me how you can define to present perfect tense Present perfect tense. with example. If we come with example, if we complete any part in the present time, then it is called present perfect tense. We use third form of verb in this tense. We use help as helping verb with pronoun of subject he, she, it. We use have as helping verb with pronoun of subject they, you, we, and I. Okay, He example. has gone to office. He has gone to office. Has or have? Has or have? Sir, he ke saath has aega. He has gone to office. How to spell? Has or have? Spelling. Has ki spelling HAS aur have ki spelling hai HAVE. आप यहाँ पे has लगाया या have लगाया, मैं पूछ रहा हूँ। Sir, मैंने यहाँ पे has he Okay. has gone to Okay, office right. has HAS. Okay, right. Next, I ask you question number 3. I will speak one tense and you have to change in other tense, okay? Question number 3. Okay, sir. He had been playing the match for 5 years. You have He to had change. been He had been playing the match for 5 years. he had He had been playing the match for 5 years. He had been playing the match for 5 years. You have to change in present indefinite tense. सर आपने मुझे अभी बोला है ही हैड बीन प्लेइंग द मैच फॉर 5 ईयर इसको चेंज करें प्रेजेंट, इसको यू हैव टू चेंज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इन इनडेफिनेट टेंस में ही प्लेस द मैच मैंने क्या बोला था आपको? ही हैड फॉर बीन या आई हैड बीन? चलो सर आपने ही हैड बीन बोला है ना ठीक है, तो आप क्या अपनाया आपने? ही। ही प्लेस द मैच ओके राइट। क्वेश्चन नंबर 4। आई विल ओके स्पीक वन टेंस एंड यू हैव टू चेंज इन द नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके। यस सर ही रेड अ बुक। ही रेड अ ही बुक। ही रेड अ बुक। रेड अ बुक इसको पहले नेगेटिव में और फिर उसपे ना या इंटरोगेटिव में He is not read a book. नेक्स्ट। He read a book. फिनिश। नहीं सॉरी नहीं नहीं सर सॉरी गलती हो गई ये पास ये है He did not read a book. Did not read a book. इसका ये होगा और इसका वो होगा Did he read a book? मार्क आएगा नहीं आएगा?
क्वेश्चन मार्क्स जैसा आएगा। जो पहला है ही रीड अ बुक, ही रेड अ बुक, तो इसका आएगा ही डिड नॉट रेड रीड अ बुक, हम इसको फर्स्ट फॉर्म लेंगे, रीड अ बुक आ जाएगा। फिर आ जाएगा डिड क्वेश्चन इंटरोगेटिव में आएगा डिड ही रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ओके लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस वर्ड फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। ओके यस सर, आई हैव टू स्पीक नाउ। ये भी बताएं, तेज बारिश। तेज बारिश, तेज सर, ये मेरे ख्याल से हैविंग सर, ये आपने नहीं करवाया। क्वेश्चन ना करें आप, ये मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर। काशी तुम चुप करो सर, ये नहीं करवाया आपने, तेज बारिश नहीं लिखवाया। मैंने लिखवाया, आप नहीं लिखवाया सर, सर नहीं लिखवाया। ये कैसे हो सकता है, मैं को रिकॉर्ड चेक करूं। सर ये नहीं लिखवाया, आप पूछ ले किसी और से। मैं चेंज कर, क्रिकेट सैंडॉग सुनी, चलें नेक्स्ट करते हैं आगे, क्योंकि काफी कल ही मैंने, सर ये नहीं लिखवाया। चलें एनीवेज, चलें आगे जी नेक्स्ट। मुझे आप ये बताएं ज़खीरा अल्फाज, वोकैबुलरी, स्पेलिंग बताएं। V O C A B U L A R Y। इसके बाद मुझे बताएं के एक और वर्ड है हमारे पास, सादगी। सिंपल सिटी, SIMPLICITY। सिंपलिसिटी, ओके। आप मुझे आगे बताएं एक और वर्ड है, वो है नाराज। नाराज सर, ये तो आपने नहीं करवाया। नहीं करवाया मैंने आपको, नहीं नाराज नहीं करवाया। एंग्री तो नहीं, गुस्सा, गुस्सा कर, गुस्से वाला बताया मैंने, गुस्सा, ये भी नहीं करवाया। नहीं सर, नहीं गुस्सा भी नहीं करवाया। इसको मैं चेक कर लूंगा, कितने वर्ड मैंने पूछ लिए आपसे सर? दो पूछ लें। दो पूछे हैं या तीन पूछे हैं? दो पूछे हैं। अच्छा सर, दो पूछे। चलें दो पूछे, एक वोकैबुलरी और एक सिंपल सिटी। अच्छा आप मुझे बताएं कि एक और वर्ड है हमारे पास, वो है ये कोसे कजा। कोसे कजा, रेनबो, आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू, रेनबो। अच्छा इसके बाद एक और वर्ड है, एक और वर्ड मुझे आप बताएं, वो ये है जी के आपके पास गहराई। डेप्थ, लेकिन सर ये भी आपने नहीं करवाया होगा। शुड आई करवाए? नहीं करवाया सर, आपकी पहले मैं मेरे पास है, कितने वर्ड हो गए? चार हो गए आपसे। यस सर, चार हो गए। आखिरी पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यस सर, मजीद, मजीद, फर्दर, एफ ए आर टी एच ई आर। इसको क्या पढ़ेंगे? फर्दर, फर्दर। ये आपका टेस्ट हो गया कंप्लीट। ओके सर, अब नेक्स्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं सर? क्या कह रही हैं? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं करने, बस छोड़ दें, पांच सवाल पूछने थे मैंने आपसे। नेक्स्ट कौन है? जी हमजा, आप तैयार हैं? जी सर, जी सर। ओके, वुड यू व्हाट वुड यू लाइक, वुड यू लाइक उर्दू और इंग्लिश, इफ व्हाट इन व्हिच लैंग्वेज आई हैव टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू सर? इंग्लिश। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ यू कैन एक्सप्लेन टू इंटरजेक्शंस। All human emotions and feelings are interjection. If we expose them, these are called interjection. Alas, hurrah, ah, wow. All right. You have, how you can explain to present perfect continuous tense with the example? ये pages किसके? Yes sir. ये हो रहे हैं आगे पीछे सारे. Yes sir. Can you repeat sir? Oh my. Sir, pages की आवाज. ये आप माइक जो ना, एक मेरे बात सुने, ये जो एक, ये भी एक पॉलिटिक्स ही होती है, ये जिसका है ना, जिससे बात हो रही है, जिसका टेस्ट है, उसका माइक तो ऑन रहे, बाकी सब ऑफ रहे, ठीक है ना?
सर मेरा तो ऑफिसर मेरे वो मैं कर रहा था जी न्यू पीछे वो कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सर जिसका टेस्ट हो रहा है ना मुझे जिसका टेस्ट है हमजा आपका माइक होना ठीक है ना बाकी सब का जो ना ऑफ रहना चाहिए माइक जी सर ये कौन है RADV7B सर ये कोई और है सर मैं नहीं हूं जब नाम एक्सपोज ना सर ये एकेडमी से सर ये एकेडमी से एकेडमी से कल भी था सर ये ओके 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 बट ठीक है फिर हमारे में उसको आई चेक करता हूं शुड आई टेल सर ये अपने जो माइक को जो है ये जो है मैं कहना चाहता हूं बस अब इसका टेस्ट ले रहा हूं बस का माइक ऑन और बाकी सब का ऑफ क्योंकि वो भी एक डाउट पैदा हो जाता है कि भी वो सफे पलट रहे होते हैं फिर वो किसी को हां जी वो हम तो अपना वो सर मैं कर रहा मैं वो नहीं थी ये बिला वजह पॉलिटिक्स ही होती है ओके लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यस आई रिपीट माय क्वेश्चन हमजा हाउ यू कैन डिफाइन टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस विद एग्जांपल यस सर इफ वी स्टार्ट एनी वर्क फ्रॉम पास्ट टाइम एंड वी डू कंटीन्यूअसली इन द प्रेजेंट टाइम from specific period or time then it is called present perfect continuous tense we use fourth form of the verb in this tense has we use has been as a helping verb with all pronoun or subject he she and it we use have been as a helping verb with pronoun or subject they we you and I okay now you have to make an example example sir ek minute sir I have been playing the match for 1 year okay next question number 3 now you have to change from active voice to passive voice I will speak about active voice and you have to change in passive voice okay are you ready sir I was absent at that day when you sir teach these active voice and passive voice sir. You can ask direct indirect sir. So you can ask direct indirect. You face major loss now. Active voice passive voice for very important for you. Very important for our all students. Anyways, I've changed my question. You have to learn. Okay, this is your own benefit, not my benefit. Keep your mind this thing now. Okay, yes, I sir. Change my question now. I have to make, to speak one tense and you have to change in that negative sentence and interrogative sentence. Let us start now. Yes. Are you ready? Yes, sir, sure. Yes, sir, sure. Okay. He plays the match. Should I change into negative, sir? Why not? First of all, you have to change in the negative sentence, then you have to change in the interrogative sentence. Yes, sir. I will write, sir. He plays the match? Yeah. He not play the match. He? Not play the match. Okay. Change in the interrogative sentence now. Next. Is he play the match? Okay. Is he plays the match? Huh? Play the match. Plays the match. Yes, sir. Plays. Or play. Plays the match. Plays the match. Plays the match. PLAYS. Sir, play the match. Is he play the match? Play, sir. PLAY. Oh my God! Why you made me? Okay. Why you confuse me? You have to adopt one line play or plays. Play, sir. Play. Not plays. No, sir. Okay. What about question mark? Will come in the end or not? Yes, sir. It will come. It will come. Okay. Next, I ask you question number 4 now. Okay. Yes, sir. I will make one tense, and you have to change in other tense. I will speak one tense. Yes. You have to change in other tense. Okay? Yes. Not sentence. Tense. Yeah. I'm talking about tense. Okay, sir. Okay. Please. I ask you that they will be playing the match. They will be playing the match. You have to change in past continuous tense.
they will be playing the match. Tell me sure. Sir, past continuous mein change karu sir isko. Yeah, yeah. Why not? Yes. Don't worry. Sir, they were playing the match. Okay, right. Last question. You have to change this verse from Urdu to English, okay? Yes, sir. Sure, yes. Sir. I ask you. Susraftar. Susraftar, sir. Slow moving. Hmm? Slow moving. आपको कॉन्फिडेंस नहीं अपने पे, क्या बात है जी? Yes, sir, slow moving. आगे बताएं मुझे एक और वर्ड है, खत व कताबत की अशिया. Stationery, sir. स्पेलिंग क्या है? STATION ARY. ARY. Yes, sir. Okay. अच्छा मुझे बताएं नेक्स्ट वर्ड है जो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो ये है कि तस्दीक करना. इन्वेस्टिगेट. Okay. कितने वर्ड पूछ लिए मैंने आपसे? तीन पूछ लिए. तीन सर. यस सर. जी दो रह गए हैं. यस सर. मतबादल. एक मिनट सर. मुतबादिल. बस सर भूल गया सर, छोड़ दो इसको. अच्छा आखिरी वर्ड है बाखबर, या किसी बात का इल्म होना. सर बाखबर. सर कैन यू चेंज द वर्ड सर? टाइम इज ओवर. ओके नेक्स्ट कौन है हमारे पास? जी बिलाल मौजूद है यहाँ पर? बिलाल खान. यस सर. यस सर. और यू? यस आई एम फाइन सर. ओके I think you prepared well your test. No, sir, I didn't. Okay. Let us start question number one. Are you ready? Yes, sir. Okay. Yes. Would you like to reply me in English or Urdu? What would you like? English, sir. Okay, that's good. I ask you first question. You have to tell me about adverbs. How you can define to adverbs? Adverb means changing in the pace of any work. Okay. It's called adverb. Like okay. Aslam. An example? Yes. Like Aslam walks fast, then walks slow. Okay. Right. Question number two. How you can define to future perfect tense with one example? Future perfect tense, sir? Yeah. If we think to complete any work in coming time, then it is called future perfect tense. We use third form of verb in this tense. We use will have as a helping verb with pronouns are subject, he, she, it, and they, you. We use shall have as a helping verb with pronouns are subjects, I, and we. We use two tenses in this tense. First of all, we use future perfect tense. Then we use present indefinite tense. We use before between two tenses. Okay. Example, you will have watched the TV before the parents come at home. Before the father come at home. Come at home. Okay. Come. Okay. Right. I asked you two questions. Question number three now. I will speak one tense, yes. And you have to change in the negative sentence and interrogative sentence. Okay? Yes. I ask you.
we have been taking the dinner since 2019. We have been taking the dinner since 2019. Yes, let us start now. We have not been taking the dinner since 2019. Okay, interrogative, simple interrogative. Had we been taking the dinner since 2019? Have or had? What you are speaking? Have we? Okay, right. Question mark. Have we been taking the end or not? Question mark. Yes, sir. We question mark. Yes, sir. We use question mark. Right. Okay. I ask you 3 questions. Question number 4 now. Yes. You have to change. I will ask you about active voice. You have to change the passive voice. Okay. Sir, yeah, active voice or passive voice? Yeah, direct. No, yeah, sorry, classes. My. नहीं हुई सर के इश्यूज चल रहे आप रमजा का है कि मामला यार क्या करें आप यार नहीं हो रहे बिल्कुल यार सर मेरा तो सीखने आप इनको ठीक है ना आपके सारे लाइफ में काम आएंगे पढ़े तो हैं सर पहले आप छोड़ें इसको अब मैं इसको जो है करता हूं चेंज क्वेश्चन को 3 आपके क्वेश्चन हो गए चौथा अब से पूछता हूं मैं यू हैव टू ट्रांसलेट दिस वर्ड्स फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश ओके यस सर Translate these words now. जी पहले है मईशत इकोनॉमिक्स दूसरा वर्ड है ज़हीन जीनियस स्पेलिंग GENIUS दोबारा बताओ GENIUS ओके अब मुझे बताएं जरा नमकीन साल्टिश स्पेलिंग SALTISH अच्छा इसके बाद मुझे बताएं जामन की इंग्लिश क्या है जामन सर मालबेरी मालबेरी ओके लास्ट वर्ड अल्जाम देना अल्जाम देना सर इल्जाम देना टाइम इज ओवर ओके लास्ट क्वेश्चन आई आस्क यू आई विल स्पीक वन टेंस एंड यू हैव टू चेंज अदर टेंस ओके नॉट सेंटेंस टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट टेंस ओके यस लेट आई स्टार्ट I have to speak here. I have to ask you about it. They won the match. You have to change in the future perfect continuous tense. They won the match. Yeah. They will have been winning the match since 2019. Since 2018. Okay. Your test is completed now. Yes. Now I have to tell you about the result. Total marks are 15. Kainal got 45 marks.
out of 50. Hamza. Fatima's. Let's front of you now. सर मेरी क्या गलती हुई है? गलती थी थोड़ा सा आपने जो अपना बयान चेंज किया दो तीन मरतबा उसकी पांच नंबर कट गया आपका, ठीक है ना? देखें मैंने कोई मतलब गलती नहीं थी, बस बयान चेंज करने की वजह से. आपको मैंने सबको एक बात समझाई थी कि आप सोच समझ मुझे एक ही जवाब दिया करें, लेकिन उसका फिर जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है मतलब कि पैटर्न थोड़ी कमी होती है. ओके उसके आपको लास्ट पहुंचा. अब ये 45 मार्क्स आपने कायनात लिए हैं, 40 जो हैं हमजा के हैं, 43 सर मेरी क्या वजह थी सर? बिलाल के. जी कौन पूछ रहा है सर? मेरी क्यों? अली हमजा. सर मैंने तो एक गलती की सर. 18 जो है फ्यूचर की बात हो रही है, 2018 बता रहे हैं जो गुजर गया है, बात हो रही है फ्यूचर की. क्यों भाई बिलाल? ओ ओके सर, ओके याद आ गया. यस सर बिग मिस्टेक. मेरी क्या गलती थी सर? अली गलती की नेगेटिव बनाने में इसने हमजा ने वो गलती आपकी पकड़ी गई वहां से. सर वोकैबुलरी भी गलत. वोकैबुलरी दो गलत थी, गलत नहीं थी, सही थी. वो भी गलतियां हुई हैं. देखें ना 10 नंबर कट गए वहां से. अबरार आप चुगली नहीं लगाओ. तो ये अभी आप देख लें रिजल्ट आपका. तो सर इब्रार के कितने मार्क्स थे? इसके इब्रार कितने मार्क्स? क्षमा पड़ा हुआ, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना? वो आप बात लाना पड़ेगा मुझे वहाँ. तो वो आपके जिक्र टेस्ट हो गए हैं, वो सब मैं रिजल्ट बता दूंगा. फिर पोजीशन का मामला भी है, तो वो मैंने लगानी है, पोजीशन लगानी है आपकी, वो मैं कल आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है? अच्छा अभी आप रिजल्ट मैं वो 45 कायनात के हैं, हमजा के 40 हैं और बिलाल के 43 हैं, ठीक है? बाकी का रिजल्ट मैं कल मैं आपके सबको बता दूंगा, पोजीशन मैं आपको बता दूंगा आपको, ठीक है ना? अभी मामला जो है वो है लैंग्वेज क्लास के. चलें बड़ी खुशी की बात है, कोई फेल नहीं हुआ, नाकाम नहीं हुआ, सबने अच्छे नंबर लिए हैं, कोई इस क्लास में फेल नहीं हुआ. वरना ऐसे हो जाता है, एक स्टूडेंट रह जाता होता है क्लास में, फिर उसको आगे ले लेके जाते हैं हम लैंग्वेज में उसको. या उसको दो ऑप्शन होते हैं उसके पास, या तो वो किसी और क्लास को ज्वाइन कर ले, या हमें गुड बाई कह दे, तीसरी सूरत कोई नहीं होती है. अच्छा तो बहरहाल बड़ी खुशी की बात है कि एवरीबॉडी गॉट सक्सेस. आई एम मच हैप्पी अबाउट इट. So I will tell you in detail about all the results and also I will mark positions tomorrow. Got it now? अभी बात करनी है language class के हवाले से. Language class spoken English, जिसके लिए आप सब यहाँ पे आए हैं, इसका मकसद ये है class का. अब पहले आपकी base बन गई है, आपकी base जो है वो बन गई है माशाल्लाह grammar. जब base बन जाती है, foundation बन जाती है, तो language सीखना मुश्किल नहीं होता. और उसके बारे में कुछ हदायात हैं, वह आप बेहतर है नोट कर लें, ये आपके लिए मच बेटर है. इंस्ट्रक्शन हैं इसके लिए, हदायात हैं. स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है, ग्रामर की क्लास से बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल है. सबसे पहले आपको बताऊं कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है. स्पोकन इंग्लिश का मतलब है अंग्रेजी बोलचाल. स्पोकन है बोलचाल, स्पोकन का मतलब है बोलचाल, जो हमारी गुफ्तगू होती है. इंग्लिश का मतलब है अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलचाल. लैंग्वेज तो पता ही है आपको, यह बोली जाने वाली जबान. लैंग्वेज कोई भी हो, जो जबान बोली जाती है, लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, वो लैंग्वेज होती है. लैंग्वेज लैंग्वेजेस दुनिया में बेशुमार हैं. देयर आर नंबरलेस लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. नोबडी कैन काउंट, नोबडी कैन काउंट दीज लैंग्वेजेस. हर इलाके की अपनी जबान है. अच्छा इसके रूल लिखें आप, मैं उर्दू में लिखवाऊंगा आपको रूल इसके, ठीक है, ताकि क्लियर आपको सारी बातें क्लियर हो जाए आपको. लिखें जी हदायात बराए क्लास अंग्रेजी बोलचाल. अंग्रेजी बोलचाल
जी पहला उसूल लिखें नंबर वन, क्योंकि फिर कल से इस पर उर्दू पर पाबंदी लग जाएगी, इंग्लिश में सब कुछ होगा, ठीक है, इसलिए मैं आज उर्दू बोल रहा हूँ आपके साथ, आपने भी आज उर्दू बोलनी है मेरे साथ, रूल मैं उर्दू में लिखवा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए सारी बात आपको। जी पहला नंबर एक, पहला उसूल ये है, इस क्लास में या इस जमात में सिर्फ अंग्रेजी ही बोली जाएगी, इसके अलावा कोई जबान नहीं बोली जाएगी। सर ये हल्फ नाम है ना, पश्तो ना सराइकी ना हिंदको ना उर्दू, सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। अगर माहौल में जब आएंगे तो सीखेंगे, जब माहौल में इंसान जाता है फिर सीखता है कि माहौल बनेगा और तब सख्ती होगी कोई जबान बोलने पर, मैं बता दूं आपको, उस पर फाइन भी हो सकते हैं आपको। जी अगर सिर्फ बोलने ही ना इंग्लिश फिर आपकी फीस बढ़ा देंगे एज अ फाइन, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरी बात, फीस बढ़ गई तो फिर सर अगर इंग्लिश बोलने ही ना जी इसलिए पैसे बचाए, सर अगर बोलने ही ना आए तो चुप ही बैठे रहेंगे। क्या कह रही हैं सर, अगर बोलने ही ना इंग्लिश फिर बोलने की क्या बात, समझ नहीं आई बात। मैंने कहा सर अगर कुछ लफ्ज ना बोलने आए इंग्लिश में तब भी उर्दू नहीं बोल सकते। देखें चले वो छोड़े बाद बंद, अभी अब इसको जनरल डिक्शनरी डाउनलोड कर यू डिक्शनरी। अच्छा ये रूल में सब कुछ आ जाएगा जो आप बात कर रही हैं। चलें जी अब लिख लिया आपने कि अंग्रेजी जो है बोलचाल की क्लास में सिर्फ अंग्रेजी बोली जाएगी और कोई जबान बोली नहीं जाएगी। दूसरा सूत्र लिखें यस के अंग्रेजी बोलने का माहौल बनाया जाएगा, क्योंकि माहौल के बगैर कोई भी जबान सीखी नहीं जा सकती। मैं आपको सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मैं आप रूल लिखते जाएं ताकि ये असल से मेरा काम हो जाए आज, फिर मैं फिर से आपको आपको बात ये बता दूंगा, टाइम को भी देखना है मद्देनजर रखना है हमने। तीसरा सूल है नंबर, अंग्रेजी जबान बोलने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी जबान बोलने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, सबसे पहले टेंसेस का इस्तेमाल, सबसे पहले टेंसेस का इस्तेमाल और दूसरा वोकैबुलरी का इस्तेमाल। नेक्स्ट रूल लिखें आप सर, एक मिनट यस सर बताएं। जी लिख लिया आपने सब, यस सर आगे चलते हैं। अंग्रेजी जबान को जल्द से जल्द सीखने के लिए, अंग्रेजी जबान को जल्द से जल्द सीखने के लिए तीन टेंसेस का इस्तेमाल लाजमी करें और ज्यादा करें, तीन टेंसेस का इस्तेमाल लाजमी करें और ज्यादा करें, जैसा कि सर एक मिनट जैसा कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, जैसा कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्योंकि तीसरा कौन सा है सर, प्रेजेंट डेफिनेट, तीनों पहले वाले हैं ना, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्योंकि इन टेंसेस की मदद से जुमले छोटे बनते हैं, क्योंकि टेंसेस की मदद से जुमले छोटे बनते हैं। आगे लिखें नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल, अंग्रेजी के लंबे जुमले बनाने से परहेज करें, गुरेज करें, अंग्रेजी के लंबे जुमले बनाने से गुरेज करें, लंबे अंग्रेजी के लंबे जुमले बनाने से बचें।
सर फिर सीखेंगे किस, क्या कह रहे हैं फिर सीखेंगे कैसे सर अगर यार क्लास शुरू होने दे, जब मैं सीखेंगे क्लास शुरू नहीं होगी सीखेंगे कैसे यस सर पहले अगर आप लिया खस कर देंगे ना कि हमने हम नहीं सीख सकते बहुत मुश्किल है कभी नहीं सीख सकते याद रखें आपने इरादा करना है हमने सीखना है बस खत्म होगी बात नेगेटिव वाली नहीं जाना उस तरह बस सीखना है तो सीखना है खत्म बात चलें जागे नेक्स्ट चलें जागे तो इसके बाद है हमारे पास तीन इस्तेमाल अंग्रेजी जबान में बहुत कम होता है किस चीज का इस्तेमाल सर तीन टेंसेस मैं आज इसलिए उर्दू बोल रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए आपको इंग्लिश में तो लिखवाए आपको इसका इस्तेमाल अंग्रेजी जबान में बहुत कम होता है तीन टेंसेस का जैसा कि सर एक मिनट जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिरी टेंसेज आपके तीनों हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चलिए आगे यस सर अच्छा आगे है कि नई वोकैबुलरी फिर शुरू हो जाएगी जो वोकैबुलरी में गैप आ गया आपकी तो वोकैबुलरी दोबारा शुरू हो जाएगी आपकी नहीं वो कभी फिर शुरू हो जाएगी जो कि लैंग्वेज में माहिर होने के लिए बहुत जरूरी है जो कि अंग्रेजी जबान में माहिर होने के लिए बहुत जरूरी है अच्छा इसके बाद एक और बड़ा अहम रूल है वो ये है कि किसी की हौसला शिकनी नहीं करनी है यस सर ये हौसला अफजाई करनी है सीखने के लिए हौसला अफजाई की जरूरत होती है हौसला शिकनी की जरूरत नहीं होती अक्सर मैं स्टूडेंट देखे हैं दूसरे की हौसला शिकनी कर रहे होते हैं कि तुम नहीं सीख सकते तो वो आपसे हंस रहे होते हैं ये चीजें बहुत नुकसानदेह होंगी ना सिर्फ जो हंसने वाला जो है ना वो खुद अपने आप पे कुल्हाड़ी मार रहा होता है जो किसी पे हंस रहा होता है ना इसका मतलब वो भी नाकाम लोगों में शामिल होगी क्योंकि वो खुद नाकाम हो रहा होता है हो सकता है जिससे आंसर है वो कामयाब हो जाए और वो खुद नाकाम हो जाए इसलिए हौसला शिकनी नहीं करनी किसी की हौसला अफजाई करनी है किसी भी काम में जो है कामयाबी के लिए हौसला अफजाई लाजमी है आगे लिखें जी सर एक मिनट आगे लिखें अगला रूल है किसी भी काम को सीखने के अमल में किसी भी काम को सीखने के अमल में गलतियां लाजमो मलजूम हैं लेकिन प्रैक्टिस या बार बार मश्क और वक्त की पाबंदी कामयाबी की जमानत है